बुधवार को हिलसा के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय किशोर दुबे ने एक ऐसे पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जिस पर अपने ही पुत्र की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। हत्यारे पिता को 15,000 रुपये का आर्थिक दंड भी देना होगा। बीते शनिवार को एडीजे बन ने आरोप सही पाए जाने पर उसे दोषी करार दिया गया, उम्र कैद की सजा पाया। अभियुक्त बरजलाला यादव कराय पशुराय थाना के मेढ़वा गांव का निवासी है। प्रभारी अपर लोक अभियोजक राजा राम सिंह ने बताया कि 3 सितंबर 2015 की रात 9:30 बजे बरजलाला यादव का पुत्र संजय कुमार से गांजा पीने को लेकर विवाद हुआ था। इसी बीच संजय कुमार घर से बाहर चला गया था। कुछ ही समय बाद जब संजय घर लौटा तो उसकी पिता ने कहा सुनी हो गई। संजय उसे उसकी मां ने पकड़ लिया। इसी बीच बरजलाला यादव ने गोली चला दी जो संजय को लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में संजय कुमार की पत्नी अपने ससुर एवं सास के खिलाफ कराय पशुराय थाना क्षेत्र में हत्या की प्राथमिक दर्ज करवाई। उक्त मामलों में अनुसंधान ने अभियुक्त सास को दोषी मुक्त करते हुए मुक्त आरोपी बरजलाला यादव के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में अभियोजक की ओर से 11 लोगों की गवाही की गई। शनिवार को प्रथम एवं अपर जिला सत्र न्यायाधीश के आरोपी बरजलाला यादव को भापदीप धारा 302 एवं शस्त्र अधिनियम धारा 27 में दोषी करार दिया गया। आप देख रहे हैं BPS News TV। इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें।